नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। बुधवार की सुबह आम सुबह से थोड़ी अलग रही। रोज सुबह लोग ऑफिस के लिए तैयार होते हैं, अपने बच्चों को जल्दी जल्दी स्कूल के लिए तैयार करते हैं। उन्हें स्कूल छोड़ने जाने या फिर लाने का उनके पास समय नहीं होता है, इसलिए स्कूल बस की सुविधा का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इस बात से आप जरूर इत्तेफाक रखेंगे कि स्कूल बस चालकों की कई शिकायतें मिलने की वजह से अपने बच्चों को स्कूल बस में भेजने के लिए अभिभावक काफी चिंतित रहते हैं, उनकी जान हलक में अटकी रहती है। बुधवार सुबह आम दिनों से थोड़ी अलग इसलिए रही क्योंकि आज बच्चों को लेने के लिए स्कूल बस नहीं आई। परिवहन नियमों में संशोधन होने के बाद संचालकों के खिलाफ और परिजनों पर अधिक बोझ डालने वाला बताते हुए स्कूलों ने बसों की हड़ताल कर दी। इसके बाद अभिभावकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। पश्चिम उत्तर प्रदेश के 10 शहरों में बुधवार 28 अगस्त और गुरुवार 29 अगस्त को स्कूल बसों की हड़ताल रहेगी। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्कूल यानी कि CIS से जुड़े पश्चिम के 10 जिलों के करीब 600 स्कूल बसों की हड़ताल में शामिल हो रहे हैं। इसके चलते बस सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। हड़ताल के बाद बच्चों को स्कूल पहुंचाने और छुट्टी के वक्त वापस ले जाने में पेरेंट्स को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन अभी तक स्कूलों ने लिखित तौर पर औपचारिक मांग पत्र RTO को नहीं सौंपा है। मैम, स्कूल बस ने 2 दिन की स्ट्राइक करी है, कम से कम 800 स्कूल इस तरीके से कर रहे हैं और इसकी वजह से पेरेंट्स को भी उसमें सफ़र करना पड़ रहा है, बिकॉज़ हर कोई अपने बच्चे को रिसीव करने या फिर ड्रॉप करने नहीं आ सकता। तो इस तरीके की जो स्ट्राइक है सिर्फ बेसिक मांगों को लेकर कि पेरेंट्स ये चाहते हैं कि बस में CCTV कैमरा हो, सीट बेल्ट हों, GPS सिस्टम हो, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मुझे भी आप ही के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से पता चला है कि स्कूलों में इस तरह की हड़ताल की गई है, तो मेरा इसमें कहना है कि अभी तक हमारे पास उनकी तरफ से ना तो कोई प्रतिनिधि आया है जिसने अपनी समस्याएं रखी हों और ना ही उनकी तरफ से कोई लिखित में हमें पत्र प्राप्त हुआ है। अब देखिए, जो नियमावली है ये तो शासन द्वारा बनाई गई है, कैबिनेट स्तर से बनी हुई, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, लेकिन अगर वो आकर के हमें अपनी समस्याओं से अवगत कराते हैं और इन राइटिंग कुछ देते हैं तो हम उसको शासन को अपनी संस्तुति के साथ भेज सकते हैं विचार करने के लिए। तो इस तरह की कोई भी पहल अभी स्कूल वालों की तरफ से नहीं की गई है, तो मुझे लगता है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। उन्हें आकर के हमसे मिलना चाहिए और हमें जो भी उनकी समस्याएँ हैं अगर वो हमें अवगत कराते हैं तो हम लोग उसको ज़रूर ऊपर भेजेंगे कि ताकि इस समस्या का जल्द से जल्द निराकरण हो सके। तो मैम, ये जो स्कूल बस की कंडीशन इस वक्त, मतलब कि लोगों को ये एक्सपेक्ट करना पड़ रहा है कि उस तरीके का फैसिलिटीज़ उसमें हो, तो अगर फिटनेस की बात करूँ, स्कूल बस की हालत आजकल इतनी जर्जर हो चुकी है, तो फिटनेस सर्टिफिकेट आपकी तरफ से किस आधार पर दे दिया जाता है? बिकॉज काफ़ी रिस्की हो जाता है बच्चों की लाइफ को लेकर। देखिए, जहाँ तक फिटनेस की बात है, हमारे पास जो भी गाड़ियाँ आती हैं उनकी प्रॉपर चेकिंग होती है और किसी भी ऐसे वाहन को फिटनेस नहीं जारी की जाती है जिसमें कोई कमी हो। स्कूल बसों के मामले में किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं होता, हमारा पूरा हम लोगों का प्रयास इसी में रहता है कि जो मानक हैं उनको पूरी तरह से कंप्लीट करने के बाद ही फिटनेस जारी की जाए। तो जो मैम इसमें कंडीशन जो बाद में आप कह सकते हो कि आपके फिटनेस सर्टिफिकेट जारी होने के बाद इस तरीके की हालत हो जाती है, तो इसमें आप किसकी लापरवाही मानते हो और उसके लिए क्या मैसेज आपकी तरफ से? देखिए, इसमें हम लोग समय समय पर अभियान चलाते हैं और अभी हाल ही में हमने अभियान भी चलाया था कि स्कूली वाहन सभी अपने गाड़ियां हमारे यहाँ भेज करके उनकी जांच कराएं, जिसमें अधिकांश स्कूलों ने इसका पालन भी किया। केवल 50 वाहनें ऐसी थीं जो नहीं आई और उनको हमने उनका रजिस्ट्रेशन निलंबित करने के लिए नोटिस भी भेज दिया है। तो ऐसा नहीं है, हम फिटनेस 1 साल के लिए जारी होने के बाद भी समय समय पर उनकी जांच करते हैं कि ताकि ऐसा ना हो कि बच्चों के जीवन के साथ कोई खिलवाड़ हो। अब आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये हड़ताल करने का कारण क्या है। दरअसल कुछ नियमों के कारण प्रबंधक हड़ताल करने पर उतर आए हैं। परिवहन नियमों में संशोधन के तहत बस चालक की दुर्घटना करने पर स्कूल प्रिंसिपल और प्रबंधन के खिलाफ FIR दर्ज की जाती है। दूसरा, RTO के बाद जिला और स्कूल समितियों से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। हर बस में एक एक महिला सहायकों की तैनाती अनिवार्य कर दी गई है। हर सीट पर अनिवार्य रूप से सीट बेल्ट का होना जरूरी हो चुका है। स्कूल बस सहायक और महिला सहायक का यूनिफॉर्म होना जरूरी हो गया है। स्कूल बसों में कैमरे, GPS, सीट बेल्ट आदि का अत्यधिक खर्च है, ऐसा स्कूल वालों को लगता है। इन नियमों के चलते जो संशोधन हुए हैं उस पर अभिभावकों का क्या कहना है कि इसमें स्कूल बसों की हड़ताल कितनी सही है कितनी गलत, सुनिए। कौन सी क्लास में पढ़ता है आपका बच्चा? UKG। हमेशा स्कूल बस से जाता है? हाँ जी। तो ये 2 दिन की जो हड़ताल है इससे आप कितना सहमत है, कितना गलत है और कितना सही है?
अब मुझे तो पता भी नहीं हड़ताल के बारे में किसी नहीं, क्योंकि जो इनकी स्कूल बस आज नहीं आई है तो आपको छोड़ने और लेने आना पड़ा उसमें दिक्कत तो हुई है। और इसकी बड़ी बहन है वो केएल में जाती है, उन्होंने छुट्टी कर रखी है स्कूल की छुट्टी कर दी। हाँ तो जो मांगे हुई हैं वो ये हुई हैं कि बस में सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए, बच्चों के लिए सीट बेल्ट होनी चाहिए, और ये मांगे स्कूल बस वाले जो हैं या फिर स्कूल वाले नहीं मान रहे, जिसकी वजह से बस नहीं आई है। तो कितना सही लग रहा आपको? सही है, ये होना चाहिए, सीसीटीवी कैमरा और सीट बेल्ट वगैरह सब होनी चाहिए, बच्चे हैं हमारी सेफ्टी, इनकी सेफ्टी के लिए ये तो होना चाहिए। लेकिन जो स्कूल है उसका कहना ये है कि फीस स्ट्रक्चर में हम लोग कम रखते हैं, लेकिन जो अगर हम कैमरे लगाएंगे ये सब करेंगे तो खर्चा बढ़ेगा। क्या आपको लगता है कि स्कूल की? तो एक बात बताइए, खर्चा तो ये ऑलरेडी इतना ले रहे हैं, कर सकते हैं इतना, तो मतलब फाल उतार रखे हैं इन्होंने स्कूल वालों ने, सीधी सी बात है, तो इतना तो कर सकते हैं बच्चों की सेफ्टी के लिए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संजय। ये जो स्कूल बसेस ने दो दिन की स्ट्राइक की है, इसकी वजह से पेरेंट्स को सफर करना पड़ रहा है छोड़ना लाना ले जाना, तो इस पर आपका क्या कुछ कहना? इसमें ये है कि जी आपने जब पेरेंट्स जो है आपके बच्चे को बैठने के लिए दे रहे हैं, लेकिन मोस्टली होते हैं बच्चे खड़े होकर जाते हैं। हाँ। आप देखिएगा, क्योंकि एक बस में कम से कम 1.5 से 2 बस की सवारी होती है। हाँ। यहाँ से बच्चा जो बैठ गया बैठ गया, या वहाँ से जो बैठ गया बाकी खड़ा होकर आएगा। हाँ। या तो उनको पूरी सहूलत दी जाए, बेल्ट बांध दिया, जो बेल्ट आप मतलब इसने कर दिया। और दूसरी बात है कि उसमें ये होता है बच्चों को छोड़ना भी आना और लेने भी आना। तो ये जो स्ट्राइक हुई है, ये मतलब जो मांग है पेरेंट्स की, जो चाहते हैं उसके अंदर कि बस के अंदर जो एक महिला होनी चाहिए ताकि बच्चों का केयर टेकिंग अच्छे से हो सके, दूसरा सीट बेल्ट्स हों, कैमरा हो, तो और इस पे स्कूल जो तर्क देता है वो ये देता है कि इससे खर्चा बढ़ रहा है। तो क्या जो बेसिक है ना, खर्चा आप ले नहीं रहे क्या? हाँ। भाई 1400-1500 रुपये एक बच्चे की है ट्रांसपोर्ट, बीच में आपकी कम से कम आप मानिए 8 छुट्टी है, 6 तो कम से कम मानिए, तो उसका कहाँ जा रहा है? वो भी तो आपको बची रहा है 6 दिन का, उसको करिए ना आप कहीं ना कहीं खर्चा जी। भाई आप उसमें बेल्ट या जो भी पेरेंट्स वगैरह की हमारी डिमांड है वो पूरी करी जाए ना इस चीज़ को। सेफ्टी को लेके क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि जब भी कोई अनफॉर्चुनेटली स्कूल में स्कूल बसेस का एक्सीडेंट होता है तो इसकी जो पूरी तरीके से जांच पड़ताल होती है, इसमें प्रिंसिपल्स, एडमिनिस्ट्रेशन सबके नाम आए जाते हैं, जिसकी वजह से वो बच रहे हैं कि वो स्कूल बस अब लगानी ही बंद कर देंगे, इस पर आपका क्या कहना है? वो बोलते हैं कि एक्सीडेंट होना ड्राइवर की गलती नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं तो दुर्भाग्यपूर्ण क्या, वो उसकी आप उसको देखो ना कि उसका पूरा लाइसेंस बना हुआ, उसकी ड्रेस होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए ना उसमें। भाई ये तो है नहीं कि आप एक खाली एक ही बस चला रहे हैं, पूरी ट्रांसपोर्टेशन ले रहे हैं आप, खर्चा आपका अपना है, तो उसको पूरा करो ना इस चीज़ को। तो ये हड़ताल की वजह से कितनी परेशानी? परेशानी तो पूरी है, आप देखिए ना कि बच्चा तो टाइम से पहुँच, और नहीं कर रहा। सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, बच्चा खड़ा होकर आता है, इस बात को देखो ना आप, बस का पूरा किराया ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो आप उसको पूरा क्यों नहीं दे पा रहे हैं? नहीं देखिए, जिस तरह से जो मांगे उठाई गई हैं वो कहीं ना कहीं तक बच्चों के हित के लिए हैं, उसमें जो है प्रशासनिक को भी थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि भाई देखो अगर वो करें तो बच्चों के स्वास्थ्य फ्यूचर के लिए और सेफ्टी के लिए है ये सारी चीज़ें, अगर स्कूल वालों को मान लेना चाहिए। स्कूल वालों का कहना है कि इससे उनका खर्चा बढ़ेगा, एक कैमरा लगाने से, GPS लगाने से, सीट बेल्ट लगाने से, और वहीं दूसरी तरफ आप देखते होंगे कि फीस स्ट्रक्चर का जो अच्छा खासा रकम स्कूल वाले वसूलते हैं, तो उस पर आप क्या कहें? देखिए खर्चे की जहाँ तक आप बात करें, अगर बात की जाए इस विषय में, तो GPS से कोई कितना अगर बर्डन भी अगर GPS का पड़ रहा है तो कितना बर्डन आप मानते हो? उसमें 3 साल का 5,000 रुपये अगर जाता है, हैं, या 3 साल बच्चे से 2 महीने के भी 5,000 रुपये अगर ये वाली बातें देखी जाती हैं तो बच्चा। और दूसरी बात यह है कि फीस स्ट्रक्चर का तो यह है कि तब भी पेरेंट्स अफोर्डेबल हैं, पेरेंट्स करते हैं तब भी उस चीज़ को करते हैं, नहीं करेंगे तब भी कर रहे हैं उस चीज़ को। देखा जाता है कि जो फीस स्ट्रक्चर है नॉर्मल, और जो ट्रांसपोर्टेशन है वो सबसे ज़्यादा है, तो ट्रांसपोर्टेशन का जब इतना पैसा लिया जा रहा है तो आपको लगता है कि सही? देखिए अगर ये पैसा तो ऑलरेडी कोई भी स्कूल से हैं, जो भी स्कूल से, और जिसमें कि देखा जा रहा है कि जो छोटे बच्चे हैं नर्सरी LKG UKG के जो बेबी हैं उनके लिए तो तब भी इतना बर्डन है, पेरेंट्स पे तो तब भी बर्डन है, तब भी है, नहीं करेंगे तब भी है, पेरेंट्स को तो देना ही है। क्या नाम है आपका? सचिन। आप हमेशा अपने बच्चों को लेने आते हैं, आज स्ट्राइक की वजह से लेने? नहीं, स्ट्राइक की वजह से वैन नहीं जा रही है ना 2 दिन के लिए। तो जो ये स्कूल बसेस की स्ट्राइक है वो इस मांग को लेकर है, क्योंकि पेरेंट्स चाहते हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है कि स्कूल बसेस में CCTV कैमरा होने चाहिए, इसके साथ साथ सीट बेल्ट होनी चाहिए क्योंकि बच्चों की सेफ्टी के लिए। तो और इस मांगों को ना मानते हुए स्कूल बसेस अब स्ट्राइक पे, आपको कितना सही लग रहा है? नहीं, बात तो ये आपकी ठीक है कि पेरेंट्स की मांग है, होनी भी चाहिए अपनी बच्चे की सेफ्टी के लिए, लेकिन स्कूल वाले तो नहीं कर रहे और उन्होंने स्ट्राइक उल्टी कर दी। नहीं, इसमें तो आपको सफर करना पड़ेगा। हाँ हाँ, तो क्या कुछ कहना तो होगा ना? नहीं, पहले बच्चे स्कूल बस से जाते थे, उसमें सेफ्टी तो है नहीं इतनी, लेकिन अब लेके आना पड़ रहा है हमको, जब स्ट्राइक है तो
हमारा जो सवाल है वो ये है कि क्या ये मांगे गलत है? अगर पेरेंट्स चाहते हैं कि उसमें हो तो स्कूल आपको ये एक्सक्यूज दे रहा है कि नहीं इसके अंदर खर्चा बहुत होता है, क्या ये सही है? नहीं, मांगे तो ठीक है, सेफ्टी के लिए तो ठीक है, मांग करनी भी चाहिए स्कूल वालों को अगर पेरेंट्स की सेफ्टी के लिए मांग है कुछ। नियमों में चेंजेस को लेकर स्कूल संचालकों का ये तर्क है कि दुर्घटना दुर्भाग्यपूर्ण होती है पर निशाना प्रिंसिपल और प्रबंधक को बनाया जाता है। उनका कहना है कि हर बस में एक महिला का खर्च अधिक होगा, उसकी सुरक्षा की भी चिंता रहेगी। बसों में तमाम सुरक्षा के उपाय ठीक है लेकिन स्कूल और परिजनों पर इसका काफी प्रभाव पड़ेगा। जो स्ट्राइक है दो दिन की, इसमें पेरेंट्स को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ रहा है लाना ले जाना, तो आपकी स्ट्राइक मतलब अगर आपकी मांग जो पूरी नहीं होती है या फिर होती है उसमें देरी होती है तो आप स्ट्राइक को बढ़ाएंगे या दो दिन की जो स्ट्राइक है इस पर आपका क्या कहना है? मैम, स्ट्राइक जो है हम नहीं चाहते कोई स्ट्राइक हो, ठीक है ना, हमारा कोई मन है क्योंकि इससे हमारे ही बच्चों को परेशानी हो रही है। स्ट्राइक सिर्फ दो दिन की है, इसके अलावा हमारा सिर्फ ओनली सांकेतिक स्ट्राइक है। हमारी अपनी बात अपनी मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाना चाहते हैं, वो मुख्यमंत्री जी तक पहुँच जाए, ठीक है, वो उसका सोल्यूशन निकाल दें। स्ट्राइक अनिश्चितकालीन है, ऐसी कोई स्ट्राइक करने का ना किसी स्कूल प्रबंधक का ना हमारा कोई मन है, ना हम करना चाहते हैं और ना ही अपने बच्चों को तंग करना चाहते हैं। तो स्ट्राइक सिर्फ दो दिन की सांकेतिक है, सिर्फ अपनी बात कहने के लिए, सिर्फ और कोई हमारा इसके अलावा कोई विशेष उद्देश्य भी नहीं है कि हम इसको लंबे समय तक करेंगे या कुछ करेंगे। सिर्फ दो दिन की थी और ये हमने डिसाइड करके हर जिले से हर डिस्ट्रिक्ट से एक ज्ञापन मुख्यमंत्री जी के नाम भेजा है और हमारी बस ये है कि वो हमारी मांग सुने और इसका सोल्यूशन हमें कुछ जो भी हो सकता है जो भी जैसे भी हो उसका सुझाव जो भी हो वो करके हमें सुझाव भी भेजे हैं क्या क्या हो सकता है, तो हमें वो हमें अपना समय निकाल के महत्वपूर्ण जैसे भी समय हो वो निकाल के हमारी समस्या का समाधान करें, बस यही हमारी उनसे रिक्वेस्ट है। इस मसले को लेकर हमारी संवाददाता संपदा अग्रवाल ने मुजफ्फरनगर के स्टेपिंग स्टोन स्कूल के प्रबंधक से बातचीत की, सुनिए उनका क्या कुछ कहना है। मुजफ्फरनगर स्कूल फेडरेशन ने हमारी जो यूपी वेस्ट के लिए फेडरेशन है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से, उसके तत्वाधान में हम लोगों ने 18 जिलों में स्कूलों की स्ट्राइक की थी दो दिन की, 28 की और 29 की, क्योंकि इसके लिए हमारे पास जो नए नियम शासन से आदेश आए हैं उनका अनुपालन हम लोगों को सुनिश्चित कराना था गाड़ियों में, पर उसमें कुछ व्यवहारिक समस्याएं थी। बच्चों की सुरक्षा के लिए जैसे सीट बेल्ट का या कैमरे का या जीपीएस का या अटेंडेंट का रूल आया उसे हम सब लोग सहमत हैं, उसमें हमारा कोई भी विचार मतभेद शासन के साथ या प्रशासन के साथ नहीं है। हमारा मुख्य रूप से कुछ ऑब्जेक्टिव थे कि जिन गाड़ियों में दुर्घटनाएं होती हैं सड़क पे चलते हुए, क्योंकि सड़क पे जब वाहन चल रहा है तो वो ईश्वर अधीन होता है, समय के अधीन होता है, हम लोगों के उसमें कोई नियंत्रण नहीं रहता, तो उसमें हमारा सिर्फ ये कहना था कि जब भी इस तरह की कोई घटना दुर्घटना घटे तो यदि गाड़ी का विद्यालय प्रबंधन द्वारा सभी कागज उसके पूरे करा दिए गए हैं, सभी मानक पूरे हैं उसके, तो विद्यालय के प्रबंधक और प्रधानाचार्य के खिलाफ FIR दर्ज नहीं। देखिए 28 और 29 दो दिन का था मुजफ्फरनगर में, 28 को आज जो कि आज है आज ही इशू रिजॉल्व हो गया है, कल से स्कूल रूटीन में चलेंगे, तो एक ही दिन की ये समस्या रही। दूसरी बात मैं आपको यहाँ पे करेक्ट करना चाहूँगा, ये सारी की सारी व्यवस्था या जो स्ट्राइक की गई ये स्ट्राइक स्कूल की निजी इच्छा नहीं है, ये स्ट्राइक वास्तविकता में अभिभावकों के हित का संरक्षण करने के लिए है। स्कूल बसों की हड़ताल के बाद यातायात व्यवस्था सुचारू करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल लगा दिया गया है, साथ ही सभी स्कूल संचालकों को आदेश दिया गया कि नियमों का पालन तो उन्हें करना ही पड़ेगा। SP ट्रैफिक संजीव वाजपेयी का कहना है कि 14 तारीख को मीटिंग के दौरान ये तय हो चुका था कि स्कूलों को इस नियम का पालन करना होगा लेकिन उन्होंने स्ट्राइक करके अभिभावकों को भी परेशानी में डाल दिया। उनकी तरफ से अपील आई है कि अभिभावक चाहें तो बस संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकते हैं और इसके बाद इस पर पूरी कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही, फिर से लौटेंगे देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी अहम खबरों को लेकर। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना और कुछ सुझाव हो तो कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। नमस्कार।